बोलो भाई, क्योंकि ये तो आपने मतलब वाला दिखाएंगे, आप सारा दिखा देंगे तो इसमें आपका जरूरी है। शुरू करें भाई, अल्लाह तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया की वो यहाँ आए और उनके जरिए पूरे देश में रहने वाले जो लाखों कार्यकर्ता एक उनके नाम एक संदेश जो है और भविष्य में आजाद समाज पार्टी की मार्मिक क्या करने वाले इसके विषय पर भी आज हम यहाँ पढ़ते हैं। वो कितना खोखला है बिना दलितों के बात आप अच्छी तरह जानते हैं, तो हम ये समझते हैं क्योंकि पिछले दो महीने में हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति को समझ नहीं पाए क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीजें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। कुछ लोगों के लिए ये हंसी का विषय भी होगा कि भाई चंद्रशेखर को उन्होंने बेवकूफ बना दिया, किसी और ने बेवकूफ बना दिया। नेताओं के सामने घुटने टेक देता हूं तो मैं समझता हूं कल कोई गरीब युवा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, वो हौसला नहीं कर पाएगा कि वो परिवर्तन के लिए लड़े और वो तमाम तरह की ताकतों के खिलाफ खड़ा होकर अपने देश के बारे में सोचे। आज सबको सिर्फ सत्ता से मतलब है, लेकिन हमारी लड़ाई कभी सत्ता की रही नहीं, हमारी लड़ाई तो सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की है। मैं चंद्रशेखर आजाद एक युवा हूं और मैंने सिर्फ जीवन में लड़ना सी परेशानियों से, समस्याओं से, चाहे जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हो उनसे लड़ना सीखा, कब झुकेंगे ना, हमने कभी झुकना सीखा ना हम झुकेंगे। और मैंने इस बार भी मंत्री पद और विधानसभा विधायक के पद को ठोकर मारी क्योंकि मेरे लिए दलितों का स्वाभिमान सम्मान, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया उनकी उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब जो आगे होगा, जैसे आप महाकाव्य में जानते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है, भाईचारा अपनी जगह है और राजनीतिक रिश्तेदारी अपनी जगह है। मैंने अपने नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम से सीखा है कि किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहिए, तो हम मजबूती से लड़ेंगे। मैं सीटों की जानकारी आपको दे देता हूँ, आगे झुकेंगे ना, हमने कभी झुकना सीखा ना हम झुकेंगे। और मैंने इस बार भी मंत्री पद और विधानसभा विधायक के पद को ठोकर मारी क्योंकि मेरे लिए दलितों का स्वाभिमान सम्मान, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया उनकी उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब जो आगे होगा, जैसे आप महाकाव्य में जानते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है, भाईचारा अपनी जगह है और राजनीतिक रिश्तेदारी अपनी जगह है। मैंने अपने नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम से सीखा है कि किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहिए, तो हम मजबूती से लड़ेंगे। मैं सीटों की जानकारी आपको दे देता हूं, रामपुर मनिहारन, देवबंद, सहारनपुर देहात, गंगो, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर शहर, धामपुर, नहटोर, हापुड़, नूरपुर, आगरा साउथ, नोएडा, चंदौसी, कुंदरकी, आलापुर, जखनिया, सिरातू, मलियाबाद, पलिया, मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, हरगांव, हस्तिनापुर, जलेसर, एतमादपुर, खुर्जा, मेरठ कैंट, सगड़ी, जयसिंहपुर, तिरवा और माट। ये विधानसभा कुल कितनी सीटें? टोटल सीटें हैं 33 या 34, कंफ्यूजन है नाम में दोस्ता डबल मैंने पढ़ 33 सीटों पर लड़ी पहले, अभी ये मैंने वो घोषणा की जिन पे हम लोग लड़ने के लिए जिन पे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ, जिन पे हमने तैयारी की थी। लेकिन ऐसा नहीं, भीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभा पे, और हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में है वो तीसरे चौथे नंबर चौथे पांचवे नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया है अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया है।
और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा कि फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है, मेरी लड़ाई सत्य की है, और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। मैं ये भी वादा करता हूं कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत मेहनत से ये साबित करेगी, और जब सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे। लेकिन अहंकार अच्छा नहीं होता है। तो आप यहां सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप